अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द घर बैठे क्यों इलाज कर लेना बतलाता हूँ। ये चीज आप सीख गए तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आप बिना डॉक्टरों के खुद का इलाज इंशाल्लाह घर बैठे खुद कर लेते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे आपके कमर का घुटने का दर्द खत्म हो जाता, तलाक मिल जाता इंशाल्लाह आपको दर्दों से। तो दर्द होने का मेन रीजन क्या है? कैल्शियम की कमी, यानी कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम की कमी को पूरी कैसा करना इंशाल्लाह अभी मैं इस वीडियो में आपको सही डाइट, सही परहेज और एक नेचुरल सूजोक थेरेपी, जो घर बैठे इंशाल्लाह खाली छोटी सी हरकत शिफा की बरकत नाजिल होती है इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बतलाता हूँ आपको, आप घर बैठे तैयार हो जा सकते हैं जिंदगी में भी इंशाल्लाह, सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं रहेंगे आप, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द होने का सबसे मेन रीज़न है कैल्शियम की कमी। आप जो भी इलाज करते सबसे पहले एक उसूल याद रखो, आपका पेट साफ रहना। अगर आपका पेट खराब रख लेके आप कौन सा भी इलाज कर रही हैं तो वो इलाज क्या होता? फेल। मिसाल के तौर पे छेद रख ले को गिलास में पानी डाले ऐसा, अब जितना पानी डालो क्या होता हो? चले जाता, यानी तो पहले छेद को बंद करो। तो गैस का किसी को भी मसला है, मोशन साफ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप जो है गैस का मसले को हल करो। इसे हल कैसा करते हैं? आपका मोशन साफ आना तो सना का पत्ता, रात में सोते वक्त आप जाके जाजी के दुकान में पंसारी में दवासास में पूछो, सना का पत्ता देते हो ना, सना का पत्ता ले लो। पाउडर फॉर्म में भी मिलता, पत्ता भी मिलता, कौन सा भी ले सकते। रात में एक गिलास पानी में डालो, पकाओ, थोड़ा पका को पियो। ये सारे बीमारियों को लेके पेशाब और मोशन के जरिए से निकल जाता बाहर, आपका पेट अच्छा हो जाता है इंशाल्लाह। सुबह सुबह आप मूली का जूस पियो, मूली का, इससे एसिडिटी नहीं होती। अब जब एसिडिटी का मसला आपका हल हो जाता है इंशाल्लाह ये सना के पत्ते से और ये मूली से, तो उसके बाद आप आपके घुटनों का दर्द और आपके कमर का दर्द का इलाज कर ले सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, मेरी माँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा बोलो माँ आपको। कब से है दर्द है आपको? 6-7 साल से। कहाँ पे इलाज करे क्या आप? कुछ फायदा दिख रहा आपको? मेरी दवा से कुछ फायदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? क्या फायदा क्या हुआ आपको? इंशाल्लाह मैं तो पूरे तरह से बेस्ट हो गई हूँ। तो गोलियां का दर्द था मेरा, गैस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, रोजे चले जाते थे गैस से, ये साल परेशानी नहीं गैस की मुझे, जैसे आपने गैस की दवा ली एकदम से फ्रेश हो गई हूँ अब माशाल्लाह। तो आपने दर्शन करने आई हूँ, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अपने पर भी है हमारे पर भी, हमेशा कायम रहे। आमीन 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 आमीन। और किसका इलाज कर रहे हैं आप? हमारे बच्चे को भी देखो, ऐसा गर्दन में ऐसा खिड़की नहीं थी, थोड़ा थोड़ा रिलीफ हुआ है। गुड़िया का दर्द था, शुगर पेशेंट मेरा बच्चा, उसके पाँव में दर्द था, अल्लाह शिफा दे दे उनको, सबके वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? आपको क्या फायदा हुआ? मुझे खैरियत था, अल्लाह का फजल कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत देर खराब ये कसम था, अल्लाह की वजह से सब पैसे भी कम है, अच्छा जिसमें हो रही है माशाल्लाह। और कोसे के एक बच्चे का जिक्र कर रहे थे, भाई थे भाई, बहुत बोल रहे ना, बहुत हालत खराब थी उनकी, बदले में पैसा दवा ले लेते हैं, अल्लाह की वजह से अच्छे ही ऑटो से अच्छा काम आता है। क्या तकलीफ थी उनको, ऐसा खून पड़ता था कपड़ों से। अब नो शिफा में ही अच्छे हो गए क्या? अच्छे हो गए। एक ही टाइम पे एक ही माशाल्लाह।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब जो मैं आपको घुटनों का दर्द का मैं बताता हूँ, ये घर पे बैठ के कर लो, इससे आपको फायदा नहीं हो रहा, तब आके आप मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो जिनको भी घुटने का दर्द है उनको सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो पेट की गंदगी, दूसरा कैल्शियम की कमी। अब पेट को साफ कैसा रखना मैं बोल दिया, ठीक है ना, ये पेट को साफ ऐसा रख लो, पेट साफ होने के बाद से आप घुटनों का दर्द का इलाज घर बैठे शुरू करो, ठीक है। सुबह में नाश्ता बंद, नाश्ते की जगह क्या लेना आप, मूली का जूस, मूली का नक्को, मूली का आप पहले जो है पेट के सफाई के लिए कर लिए तो मूली का नक्को, आप जो है भिंडी का जूस, नहीं तो रात में 3 भिंडियां भिगने डालो, सुबह में उठो ग्राइंडर करके पियो, वैसा नहीं हो रहा एटलीस्ट पका के क्यों नहीं होता, खा सकते आप भिंडियां। रेगुलर 8 दिन खाए सुबह दोपहर शाम, पका के क्यों नहीं खाए, उसके अंदर कैल्शियम है, भिंडियां आपके अंदर कैल्शियम को पैदा करता और दर्द को ख़त्म करता, कैल्शियम हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए जो है भिंडियां हुआ, ठीक है। और पुदीना, एक मुट्ठी पुदीना 1 गिलास पानी में डालो, थोड़ा पकाओ, पका के पियो, पुदीने में भी कैल्शियम है, वो भी थोड़ा थोड़ा सुबह से ले के शाम तक थोड़ा थोड़ा पी सकते, नहीं तो सुबह में एकदम ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा पी सकते। ये कैल्शियम डायरेक्ट, ये पुदीने का पानी डायरेक्ट अंदर जाके कैल्शियम को पैदा करता, ठीक है ना। तो पुदीना और क्या हुआ, भिंडी। अब तीसरी बात, अलसी और मेथी पका के भी ले सकते हैं, आजकल के एडवांस लोगों को पका के नहीं होता, कच्चा खाओगे तो नहीं होता, उनको वॉमिटिंग हो जाता, वाह करते, ठीक है, उससे बेहतर पका के तो खाओ एटलीस्ट। हाँ नहीं 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 हाँ नहीं, नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक लिमिट में डालो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने टेस्ट भी होना ना, हाँ एज यूजुअल घर पे जैसा बनाते हैं वैसा, ठीक है ना, पका के ऐसा चाटना बना खाओ, हाँ भिंडी भी खाना, उसका रस कैसा निकालते, ठीक है। तो भिंडी पुदीना और अलसी और मेथी, अलसी और मेथी ये भी एक कैल्शियम के चीज़ा है, मालूम हो रहा, एक 50 ग्राम एक 50 ग्राम लियो, दोनों को भून के पाउडर बना लियो, 1-2 चमचे रात में गिलास पानी में भिगने डालो, सुबह में उसे औंटा के पका के पियो, ये भी कैल्शियम, समझ में आ रहा। तो फ्लेक्सिड्स आप जरा वीडियोस में देख लो, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये देख लो आप। उसके बाद गिलोय भी मिलता आपको दुकानों में, गिलोय भी ले लो, वो भी औंटा के पियो। ये पूरा क्या करना, अगर शुरू का है आप घुटनों का दर्द, 1-2 महीनों का है तो इंशाल्लाह खत्म हो जाता एक ही हफ्ते में इंशाल्लाह। अगर नहीं, आपको सालों पुराना है, घुटने जो है घस गए, ऑपरेशन करने के लिए बोल रही, ऐसे सब बोल रही, तो आप क्या करो, ये जो पूरे बोलिया मैं, अलसी मेथी पुदीना भेंडी गिलोय, ये पूरा आपके नाश्ते में लेना आप रेगुलर, नहीं तो रिप्लेसमेंट के लिए 4 लाख 2 लाख 5 लाख इतना पूछते। और जब भी आप सजदा करते तो लंबा सजदा करो, सजदा नहीं हो रहा पहले ट्रीटमेंट करो, सजदे के काबिल के हो जाते इंशाल्लाह, ठीक है नी। तो खट्टे चीजों से परहेज करो, अलसी मेथी का फॉर्म, भेंडी पुदीना गिलोय, ये 4 चीजा, और खट्टे चीजों से परहेज करना। गिलोय बोले तो अमृता बल्ली बोलते इसे कन्नड़ा में, ठीक है ना, ये घरों के आसपास मिलता बहुत सारा, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किया हूँ, और आप जाके फंसारी के दुकान में भी पूछ सकते गिलोय, हाँ ये पेट के सारे बीमारियों को दूर करता, आपके अंदर ताकत लाता, बहुत ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी है ये, हाँ एकदम नेचुरल चीज़ है, इसमें शिफा रखे हुए अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर भी कैल्शियम है। तो अब मैं एक नेचुरल सूजक थेरेपी बतलाता हूँ, आप घर पे बैठे वो सूजक थेरेपी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घुटने का दर्द ख़त्म हो जाता। अब देखो मैं जस्ट एक सैंपल बतलाता हूँ आपको, एक कैसा करना, मत रखो पैर इधर, इधर पकड़ो अम्मा, जी जी बच्चा पकड़, ये पैर देखो आप जरा गौर से, इसे पहले क्या करना आपको, ऐसा रख लेना, ऐसा कर, थोड़ा 5 मिनट ऐसा करने से जो है यहाँ के नसा फ्री होते जी, यहाँ के नसा फ्री होते, ठीक है ना। सीधा पकड़ो ऐसा पकड़ो, ऐसा तो इसे ऐसा करना, तो बस स्लाइटली ऐसा पकड़ के ऐसा करना, ऐसा पहले, ऐसा बाद में
ऐसा एकदम जोर से भी नहीं, एक लिमिट से एक करते करते आपको तजुर्बा आ जाता, बट किसके तभी पाँव तोड़ को भेजेंगे। क्या बोलो, एक दो मिनट में, एक दो मिनट में आप पहले ऐसा कर को, बाद में ऐसा कर को, फिर ये तीसरी अंगली, ये तीसरी अंगली और ये चौथी अंगली को है नीचे ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ को एक दो मिनट ऐसा दबाओ, हाँ ये दो मिनट ऐसा दबाओ, इससे खून का दौरान सही हो जाता और तब का तब भी दर्द खत्म हो जाता इंशाल्लाह। अब पूछो ये ट्रीटमेंट करके पूछो कैसा है दर्द, पूछो शिफा हो जाती, एक ही मिनट में शिफा। देखो शैतान का काम है, फर्स्ट ऐसा ऐसा समझ रही, उसके बाद ऐसा घर पे बैठ के कर लियो, ये घर पे बैठ के कर लियो, ये डेली करो आठ दिन तक, रात में ऐसा बांध के सोना, एक ऐसी रखो ना पैर, ऐसी पट्टी ले लियो, एक ऐसी पट्टी दुकान में मिलती एडहेसिव टेप बोलते हैं इसे, पेपर टेप, हाँ ये ले लियो, उसके अंदर जो है कलौंजी और मेथी ये ऐसा डाल लियो, ये खट्टे से परहेज करना, खट्टे चीजों से, कलौंजी और मेथी या टेप, इसे क्या करना, ये तीसरी अंगली को है नी ऐसे दाल को बांध लो, तीसरी अंगली को और चौथी अंगली को मिला को, हाँ क्या भी नहीं है, शिफा है, ये पैर की तकलीफ, ये पैर की तकलीफ ये अंगली में है शिफा, यानी ये एक इलम है, अल्लाह से दुआ करते हुए करो, ऐसा दबाओ देखो एक मिनट में दर्द खत्म होता है उनका इंशाल्लाह, एक मिनट में। अब ऐसा कर को, आप ऐसा कर को, फिर ये अंगलियां को थोड़ा प्रेस कर को, पूछो दर्द कैसा है बोल को, इमीडिएट रिलीफ, परमानेंट रिलीफ होने के लिए ये सुबह को जो मैं बोला कैल्शियम की चीज़ें ये लेना, खट्टे चीज़ों से परहेज करना, खून का दौरान इमीडिएट चालू हो जाता, ऐसा करने से ये पीछे के नसा फ्री होते, ऐसा करने से ये ऊपर के नसा पूरे फ्री होते, जब नसा पूरे फ्री हो गए, खून का फ्लो अच्छा हो गया तो दर्द चले जाता। सुबह शाम रात में सोते वक्त 21 बार करो इंशाल्लाह, ठीक है, रात में ऐसा लगा लेको सो सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ये एक अंगली को बट ये एक अंगली को, ये एक अंगली को देखो ऐसा कर लियो, फिर इसे ऐसा ऐसा डाल लियो, ऐसा कलौंजी मेथी, कलौंजी और मेथी इसमें शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे क्या करो, ये अंगली को, हाँ ये अंगली को जो है ऐसा लगा लियो, पूरे थे क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान, देखो माशाल्लाह तरावे तहज्जुद नमाजें रोजा और एतिकाफ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है और कितने दुआएं मिले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, जब अल्लाह राजी होते तो इसी तरह शिफा अता करते, ठीक है, तो अल्लाह से मांगते हुए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, हर वक्त जिक्र में आ जाना, आप खाना खाए तो खाना खाने की दुआ पढ़ना बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, भूल जाते हमें खाने के टाइम पर भी याद नहीं करते, सोने के टाइम पर भी याद नहीं करते, हगने के टाइम पर भी याद नहीं करते, क्या करे तो भी याद नहीं करते अल्लाह को, इस वजह से शैतान जहालत गंदगी शैतानियत जहालत और ये गंदगी से ही बीमारियां आती, ये बात याद रख लो, जानना रखो बीमारियां आती नहीं बिकॉज उनको अल्लाह हाथ आ दिए नहीं और उन्हें सर झुका के खाते ही, अल्लाह हाथ आ दी शुक्र अदा कर कर को खा कर को, लेकिन इंसान को आता होने के बावजूद भी शैतान का जैसा खाते भूल जाती बिस्मिल्लाह बोलना, तो हर काम में बिस्मिल्लाह बोलो, मैं इसीलिए मैं बार बार वीडियोस में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए बोलती हूँ कि इन वीडियोस में आप लोगों को यकीन आ दे अल्लाह की ताकत पे, अल्लाह की ताकत नजर आती है आपको, देखो मेरे वीडियोस एक से एक सारे वीडियोस में आपको शॉकिंग रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह की ताकत है, ये डॉक्टरों से होने का काम नहीं, और मैं भी एक पुतला हूँ अल्लाह की रहमत, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, ठीक है, तो अपने अपने पैरों को जो है
ये तरीके से आप पट्टी लगा ले सकते, इसे 8 घंटे से 12 घंटे तक लगा के छोड़ सकते, रात में लगा ले सकते, सुबह से लेकर शाम तक लगा सकते, जब आपको टाइम मिलता तब आप लगा सकते, ठीक है ना। ये लगा अच्छी बात है, अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह। रात में बस बेस्ट लगाने को सोचो, शुरू में जरा आपको मुश्किल भी जरा खुजली है, निकालेंगे नहीं हो रहा ऐसा ऐसा, तो शिफा एक है दो एक दो रोज, 8 दिन लगो इंशाल्लाह बेहतरीन शिफा आता होती है। ये जो रेमेडी बोल रहा हूँ और ये जो परहेज बोल रहा हूँ और ये पेट साफ कर लियो करके बोल रहा हूँ और ये जो सूजक दिखा रहा हूँ, ये एक बेहतरीन बैलेंस है अपने जिस्म को कंट्रोल में रखने का। गुड़गियां का चाहिए पॉइंट, ये अंगलियों में गुड़गियों का स्विच रखे हुए अल्लाह ताला। अब आप लाइट डालना तो क्या करते, जाको हलाते लाइट को, क्या करते स्विच डालते, यहाँ से स्विच देखो इंसान कितना सोचता, लाइट का स्विच कहाँ की रखता है, तो अल्लाह देखो अल्लाह की सोच सबसे बेहतरीन, जो इंसान के एक बीमारी का स्विच और एक जगह पे रखे। मैं गैसेस के कितने लोगों का इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से यहाँ एक बार करने से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट शिफा हो जाते। आपको करे क्या मैं करे अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है आपकी गैसेस, अल्लाह का फसल, अल्लाह का फसल शिफा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तो अल्लाह स्विच रखे हुए हैं आपके जिस्मों में, और आपके घुटनों का स्विच आपके पैरों में यहाँ पे है, देखो ये आपके पैरों का जो है ये घुटनों का स्विच है, ये स्विच को दबाओ शिफा का बटन ऑन होता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह से मांगना, ठीक है, अल्लाह से मांगे बगैर आप क्या भी करो, ठीक है ना, मिलगा तभी आप रहे अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों बोले तो अल्लाह रहम दिल है, अल्लाह रहम करते अल्लाह अपने बंदों पे, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मालिक, ठीक है। अज़ान हो रही है, अब वो पैर लो माँ, वो पैर में दर्द है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, अब देखो ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, हो गई ऐसा हो गई क्या, एक और यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, ये जो है आपके कमर के दर्द का स्विच, कहाँ का स्विच, हाँ तो ये आपके कमर के दर्द का स्विच, सॉरी कहाँ का, गुड़गियां का, घुटनों का स्विच है ये, हाँ और आपकी कमर ये है, ये जो है नी ऐसा पकड़ो जरा ऐसा, हाँ ये जो है नी ये कमर का स्विच है, समझ रही हैं, ये कमर का स्विच, अगर आपको कमर में दर्द है तो आप ऐसी चेक पट्टी लियो, इसमें हरी मूंग लेना, हरी मूंग, हाँ वो चीज उसमें शिफा है, ठीक है ना, तो वो चीज हरी मूंग ले लेना ऐसा, हाँ ठीक है, तो वो हरी मूंग को ऐसा बांध लेना, एक ऐसा बांध, ऐसा बांध के देखो यहाँ पे, और ऐसा लगा ले सकते, ऐसा लगा ले सकते, ये इसे यहाँ पे ऐसा, फिर इसे यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अगर आपको खून का दौरान सही नहीं हो रहा तो इससे खून का दौरान सही हो जाता है, ठीक है ना, और कैल्शियम की कमी है तो जो चीज़ा मैं कैल्शियम के बोल रहा हूँ आपको खाने के लिए, उससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाती। यूजुअली बीपी के पेशेंट्स को दर्द ज़्यादा होते, कई को होते कि बोले तो खून गाढ़ा हो जाता है, खून का दौरान सही नहीं होता।
अब उनको खून पतला होना तो क्या करना, उन्होंने एक कप दूध सबसे पहला जो है उन्होंने अपने घर में नमक को बदलना, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना, रॉक साल्ट, हिमालयन साल्ट, पूरे घर में नमक बदलो माँ, ये उजला नमक जहर है हाँ? और ये जो सेंधा नमक है ये शिफा है, ठीक है ना, ये पहाड़ी नमक शिफा है, इससे मोटा मोटा रहता है ना, वो मोटा भी रहता पतला भी रहता, पिंक साल्ट बोलते हैं, पिंक साल्ट शिफा है। तो पिंक साल्ट आप क्या करो, जरा ऐसा पकड़ो, वो आप ले लेकर आके घर पे, चार गुना स्ट्रांग रहता बाकी नमक से, लिमिट में इस्तेमाल करो नमक, ठीक है, इससे जो है इंशाल्लाह आपकी बीपी हमेशा नॉर्मल रहती। एक कप दूध सुबह में, दो या तीन लहसुन के कलियां कुचल के डालो, आधा चमचा शहद डालो, थोड़ा पका के पियो, इससे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाती है इंशाल्लाह। सुबह सुबह हाँ, शुगर के पेशेंट शहद नहीं डालना, और कान के पीछे यहाँ पे दोनों जगह इसे ऐसा ऐसा मसाज करना, नहार पे टूट को ऐसा मसाज करे तो आपके दिमाग में जो खून जाना बॉडी का पास होता हाँ, इससे क्या होता, हाँ खून पास होता, अगर खून गाढ़ा है तो खून पतला होके पास होता, इससे हाई बीपी का मसला हल होता। और लो बीपी का इलाज भी बोलता हूँ इंशाल्लाह, गौर से सुन लियो, वो जो हाई बीपी जिनको भी मसला है उनको क्या करना, क्या करना, दूध में लहसुन डाल को शहद डाल को पीना और एक्सरसाइज करना, हाँ उंगली से करो बस, इससे खून का दौरान सही हो जाता। ये हाई बीपी का इलाज, नमक बदल डालो, और जिसे लो बीपी है इसमें शिफा है माँ, इसमें शिफा है, नारियल का पानी डेली, एक नारियल का पानी, इसमें ग्लूकोंडी मेडिकल में मिल जाता आपको, एक चम्मच ग्लूकोंडी और एक एलिर अजा हो, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह अजा हो दे फिर इंशाल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد للذي لك الفضيلة والترجة الرفيعة وباسة المقام محمود للذي وأتى وارزق ما سبقه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك عن السماء ہاں تو لو بی پی کا علاج ناریل کا پانی یہ ناریل کے پانی میں ایک چمچا گلوکون ڈی دال کو پینے سے انسٹنٹ لو بی پی کا علاج इंशाल्लाह ठीक है ना। लो बीपी इन द सेंस आपके दिमाग में खून ठीक तरीके से नहीं जा रहा, कम हो जा रहा, इससे चक्कर आके आप जो है वीकनेस फील करते, तो ये इमीडिएटली थोड़ा खट्टा आप चाहे तभी लो बीपी जो है इमीडिएट इंस्टेंट ठीक हो जाते आप। अचार यानी तो सर में दर्द हुआ तो आखिरी दाड़ में आप जो है नींबू का जो पीस रहता आखिरी दाड़ में या इमली आखिरी दाड़ में रखे हूँ कतरे, तो इमीडिएटली खून का दौरान चालू होता दमा,
बीपी हाँ लो वाले, इमीडिएटली उनको बीपी लो का इलाज होता, और ये आपको परमानेंट इलाज, वो इमीडिएट, ये भी इमीडिएट देता आपको, एक आधे घंटे में इंस्टेंट रिजल्ट देता। नारियल का पानी में एक चम्मच ग्लूकोन डी डाल के पी लेना कभी भी दिन में एक बार। अब लो बीपी हो रहा ऐसा पियो, अच्छे हो गए इमीडिएट इंशाल्लाह, ठीक है करो इंशाल्लाह। और रात को सोने के टाइम पे ये थकिया, अब देखो ये थकिया है नहीं, ये थकिया, ये सर, ये सर को आप जो थकिया रख के सोते तो सर के तरफ नहीं आना हो, यहाँ पीठ के तरफ बात न हो, नहीं ऐसा 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 बिना थकिया के, बिना थकिया के सोना, और आपको थकिया ये साइड चाहे तो है, इससे क्या होता है आपका खून का दौरान बैक साइड मारता दिमाग, समझ रहे आप, आपके जिस्म में से खून कहाँ जाना, दिमाग को, समझ मेरा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से खून क्या होता नीचे तरफ चले जाता बॉडी के नीचे तरफ, इसे वापस दिमाग तक जाना बोले तो बिना थकिया के सोना। अगर आप थकिया होना बोले तो आप पीठ के तरफ थकिया रख लेके सो सकते हैं, इससे क्या होता खून का दौरान वापस से आपके दिमाग तक आता, जिससे आपके लो बीपी का इलाज हो जाता परमानेंटली। एक आधा घंटे में आपको रिजल्ट है, आपको नींद लग गए एक बार हटा दे लो, अब नींद लग गए एक बार बोले तो ऑटोमेटिक आप नींद में से हटा दे लो, हाँ मामूली सो जा सकते, नींद लग रही ठीक है, नहीं नींद में लाता भी मारती हमें ख्याल ही नहीं अपना। अच्छा, हाँ जो यहाँ पे, यहाँ पे जो करा ये आपको कमर का दर्द, कमर का ये आपको घुटने का। अच्छा वो पैर में, वो पैर कुछ डालना क्या, दो पैरों को भी डाल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक पैर में डाले तो शिफा हो जाता आपको, ठीक है ना, ज्यादा असर आपको अगर सीधे पैर में है तो सीधे पैर में डालो, ठीक है ना, जहाँ डालते हैं वहां पे असर आता है इंशाल्लाह। तो लो बीपी का इलाज बोला, हाई बीपी का इलाज बोला, ये बीपी का इलाज कर लेते हुए आप घुटनों का इलाज कर ले सकते हैं इंशाल्लाह, समझ में आ रहा। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जजाकल्ला जजाकल्ला, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी आपको घुटनों का दर्द नहीं जा रहा, फिर भी आप लंगड़ रही, तो इंशाल्लाह मेरे पास आओ, शायद आपके डाइट में कुछ गलती है जिससे जो है आप लोग ठीक नहीं हो रहे, मैं दवा देके मैं यहाँ पे पूरा समझा के आपको बतला के भेजता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो कल मैं होसूर में मिलूंगा इंशाल्लाह। और एक जो है जरूरी बात, जिनको भी घुटने का गैप आ रहा, घुटने के गैप से जो है ऑपरेशन के लिए बोलते नौ बताती, तो उन्हें लंबा सजदा करना मां, ठीक है, तो सजदा दिखाते हैं देखो जरा वैसा करो, ये लंबा सजदा करने से वापस से घुटने में आपके कैल्शियम आ जाता, ग्रीस बनना पैदा हो जाता है इंशाल्लाह, और शिफा हो जाती है आपको। सजदा करे तो सुना हजरत, ये हाथ आप पूरे लंबे होना, ये तरीके से देख रही हूँ, थोड़ा ऐसा पकड़ो बोल, ये दिखाते देखो मैं सजदा क्यों करते बोल के, तो अब जो है सजदे के बाद थोड़ा गर्दन ऐसा ऊपर रख दो, ये रहता नहीं आता है, दो भी सामने आते समझ रहे आप, ऐसा करने से सामने लो एक दो मिनट या तीन मिनट, ऐसा करने से पूरी बॉडी में आपका फ्लो अच्छा हो जाता है, आपको गर्दन ऐसा रख के ऐसा करे ना फ्लो चालू हो जाता, घुटनों का गैप दूर हो जाता, बहुत बड़ा राज की बात है ये, आपके घुटने का गैप दूर हो जाता, ऐसा दिन में एक दो बार, सुबह को एक दो तीन मिनट, शाम में एक दो तीन मिनट, ठीक है ना, ऐसा हाथा लंबा कर लेके ऐसा मुंडी रख के ऐसा लंबा सजदा करे तो वापस से आपके घुटने में जो है खून का फ्लो चालू हो जाता, और इंशाल्लाह आपकी घुटनों की तकलीफ आपको दूर हो जाती इंशाल्लाह। आप पहले दवा तो इस्तेमाल करो, आप जिनको बैठने नहीं हो रहा सजदा नहीं कर रहे उनको मैं अभी बोले ना अलसी मेथी भिंडी वगैरह ये ट्रीटमेंट
और वेट लॉस जिनका होना है एक चमचा अरंडी का तेल, एक नहीं तो दो रात में सोते वक्त, डेली रात में पी के सो जाओ, और सुबह में उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पीना। पानी हाओ गर्म नहीं, ठंडा ज पियो तुम्हें। आप गर्म कर ले पीने आपको बहुत टाइम लगता, यानी ठंडा ज पियो, नहीं गर्म करके ठंडा कर ले को पी सकते, थोड़ा थोड़ा सिप बाई सिप, यानी मज़ा लेके पीना। सुबह में पानी पीना, रात में अरंडी का तेल, ये करो वेट लॉस बहुत अच्छा होता। अरंडी का तेल गर्म पानी में, ठंडे पानी में, मीडियम पका नॉर्मल पानी, पानी में डाल के पी लियो। ये पानी पीने से, एक मिनट बोल तुम ठीक है ना। तो आप जो है ये अरंडी का तेल रात में पी को, नॉर्मल पानी सुबह पीने से आपका वेट लॉस होता। नहीं आप क्या करते, क्या भी नहीं करते, खाली ये दो चीज़ें कर ले को, पूरा खा ले को, मेरा वेट लॉस कम हुआ डॉक्टर साहब, 1 kg पतली हुई सो, 1 kg लॉस सुबह नहीं हुआ। एक बात ध्यान रख लियो, थोड़ा अपनी बॉडी को गर्म भी रखना, बॉडी को एक्शंस पे लाना। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे, उठ को चल फिर को बात करने की कोशिश करो, कोई भी आप काम कर रहे खड़के करने की कोशिश करो, हाँ लिफ्ट की जगह पैरियाँ का इस्तेमाल करो। जर्रा घुटने में गैप आ गया तो चलना फिरना बंद करा देते डॉक्टर्स, अब जिंदगी भर बिठा देते आपको कोने में, बिकॉज दुकान चलते रहते बोल के, है नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आप अब से जब का वेट लॉस करने की कोशिश करना बोले तो आप बहाना ढूंढना किसी की खिदमत करने की, समझ नहीं रहा, कोई किसी को पसीना आ रहा तो उठ को जाकर फैन डालना, आर्डर नहीं देना, है नहीं कोई तो भी मेहमान है तो पका पका खिलाना, है नहीं क्या भी एक जो है काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। थायराइड के पेशेंट्स यूजुअली मोटे होते जाते हैं, उनके अंतड़ियां पाक होना, उन्होंने डेली एक मुट्ठी धनिया एक गिलास पानी में भिगने डालो, फिर सुबह में उठ के जो है उसे थोड़ा पका के वो पानी पियो, ये अंतड़ियों को धोता और वेट को भी लॉस करता। नमक बदल के आप ये फार्मूले करो, इंशाल्लाह देखोगे तो आप किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होते आप, ठीक है ना। तो ऐसे डालो जी एक मुट्ठी, हाँ हाँ कैसा कि एक मुट्ठी ऐसा डालो बस, पकाते ही वो आ जाता है इंशाल्लाह। ज़रूरत नहीं किसी को काली मिर्चियाँ नहीं बनते, किसी को नहीं बनते, किसी को छाती जलती है नहीं, तो काली मिर्चियाँ डाले तो अच्छी बात है, अगर आपको काली मिर्च नहीं बनी तो धनिया काफ़ी है, हाँ रात में डाल के सुबह में लेना, ठीक है। तो ये कर लियो इंशाल्लाह इससे शिफा हो जाता, और ये ज़ख्मी हयात का पत्ता, अभी मेरे भाई को दांतों की तकलीफ़ है इंशाल्लाह, ये ज़ख्मी हयात का पत्ता आपके घरों के आस पास है, ये देखो ऐसा झाड़ है, मैं बार बार बतलाते रहता हूँ आपको। तो ये पत्तों का रस, ये पत्ते आप मुंह में डाल ले के जो है, और थोड़ा फटकरी, फिटकरी भी बोलते नहीं, हाँ फटकरी मिलता आपको जाजी के, वो एक पाउडर, वो पाउडर और ये दो भी रख ले के मुंह में अच्छा डाल को ब्रश करो, आपके दांतों का मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह, दांतों का मसला हल हो जाता। दांतों का पाउडर कैसा बनाना ये भी मैं जो है बतला के हूँ, आप जाके ज़रा मेरे पास डॉक्टर अताउल्ला खान आप यूट्यूब पर सर्च करो, प्लेलिस्ट ओपन कर लो, वहाँ पे आपको जो है सारे मेरे वीडियोस मिल जाते, उसमें मैं दांतों का फार्मूला बताया हुआ हूँ, अजवान लौंग फटकरी और काला नमक ये सारे चीज़ें डाल के आप एक बेहतरीन पाउडर बना ले सकते, और उसमें जो है इटंगी की राख भी डालना, वो आपको मिल जाता आसानी से, एक बार आप पाउडर बना लेते आराम से 6 महीने आता आपको, और आप रगड़े तो ज़िंदगी में आपके दाँता ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह ना ख़राब होते ना हलते, ज़बरदस्त रहते आप, पत्थर भी चाप को खा पत्थर भी चाप के खा जाते आप उतने मज़बूत होते दाँता इंशाल्लाह आपके, बहुत बड़ा राज है वो। यूजुअली मैं पेशेंट्स को जो है बना के देता, लेकिन अब मैं इसलिए डाल दे रहा हूँ वीडियोस, आज मैं जिंदा हूँ कल मैं रहती हूँ कि नहीं रहती नहीं, हमारी सब हयाती अल्लाह आपने को दे दिया, पसंद आ गया अपनी जो ये जवानी में अपने को अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हाँ काल ले सकते हैं आप, हाँ काल ले अल्लाह का ऐसा अल्लाह का एहसान मैं भी गुनहगार, हमें पूरे गुनह के पुतले हैं हमें, लेकिन अल्लाह रहम वाला है, अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करते, ठीक
है ना, माँ की मोहब्बत करना लिया तो बस सुने। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप लोगों को तकलीफ, आप लोगों को बीमारियां, आप लोगों को दर्दा इसलिए देते अल्लाह ताला के हमें एक माँ बाप होने के बावजूद भी अपने बच्चों को डांटते, सजा देते, गलती करे क्या करते हम मारते। मुझे भी मुर्गा बिठाए थे हमारे भैया, हमारे अब्बा, मेरे भान ऐसा कल्याण कुमार थे, रप बोल को धूप में खेल रहा था। इसलिए आज टीचर हाँ, टीचरों भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मारा खा के अल्लाह के फजल से आज ये मकान पे बैठी हूँ। आज मैं याद करता हूँ, दुआ करता हूँ, आज भी मुझे डर लगता मेरे टीचरों के सामने जाके टेम पे है नी। तो ये जैसा टीचर मारते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों को मारते बीमारी देके कि बोले को तो अंधे हो जाते हैं ना दौलत के नशे में, दौलत के नशे में किसी का दिल तोड़ते, माँ बाप का दिल दुखा देते और बस जोर से बात करते माँ बाप को है नी। ऐसा करते नहीं आजकल के लोग, तो इसीलिए अल्लाह बीमारी देते, ठीक है। तो सुधर जान दे बोल के, ठीक है ना। तो अल्लाह से जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, हमेशा अस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप ये दुआ पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, इससे इंशाल्लाह शैतान दूर जाते रहता और अल्लाह की मदद और अल्लाह की माफ़ी, अल्लाह आपको माफ़ करते रहते इंशाल्लाह और आपको मदद करते जैसे मुझे मदद कर रहे। मुझे एक रात बैठ के मैं रो लिया, वो वीडियो भी अपलोड कर दिया लाइव जाके, अल्लाह ये कैसा नाजिल हो रही ना मदद, किसी पेशेंटों को मैं दवा तक नहीं दे रहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त शिफा हो जा रही है उनको, मैं खुद ताज्जुब हूँ। और कुछ पेशेंट्स को कितना दवाएं दे तो भी ठीक नहीं होती, उल्टा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। क्यों बोलो, अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहे शिफा, जिसे चाहे बीमारी, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे सकते, अल्लाह की मर्जी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बात याद रख लो, उम्मीद डॉक्टरों से हकीमों से मत रखो, उम्मीद रखना तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे रखो, ताकत है तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ठीक है। फिर भी आप जरिया ना हज़रत, हाँ जरिया बना, हमारी मदद तो नहीं, बिल्कुल अल्लाह जरिया बनाते हैं, असबाब बनाते हैं, हर एक चीज़ को असबाब बनाते अल्लाह ताला, ठीक है। तो यकीन हमारा अल्लाह पे आना हमेशा, ठीक है, ना कि असबाब पे। अब डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब इन्होंने दिए हमें अच्छे हो गए, गलत, आप ही हमारा इलाज करना, आपसे हमें अच्छे होते, गलत है नहीं। अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह के जिक्र पे आओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हुसूर में मिलते हूँ इंशाल्लाह 18 तारीख को, फिर 1 से 5 तारीख तक हर महीना गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 10 तारीख को महबूब नगर इंशाल्लाह। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड, 1 से 5 तारीख तक। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाज़ा, चुन्ना भट्टी, और जो है 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को कर्नूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल, और 10 तारीख को महबूब नगर। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब नगर में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं अल्लाह के फजल से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। हर महीना मैसूर को 17 तारीख इंशाल्लाह, मैं एक दिन इस बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ इंशाल्लाह, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को हुसूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, 18 तारीख को मैसूर, मैसूर 18 हुसूर, 18 तारीख को हुसूर, हुसूर 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 तमिलनाडु, तमिलनाडु, हाँ। तो मेरा फोन नंबर 9900666 4975 7795 4141139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम। तो आप फोन नंबर धीरे बोलो, एक साथ चले, मैं तो रिपीट कर कर तो लिखूं सो। आप प्रोफाइल ओपन कर दिए तो मेरे नंबर्स दिख जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।